भागवत का स्कंद दसवां इकासठवां अध्याय। श्री कृष्ण देव जी ने रुक्मणी के साथ हासी करना और पुनः तिसको मनाए लेना। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज एक समय मणिया कर जड़त कंचन में मंदिर में कुंदन का जड़ाओ जब रगट विषा था, तिस पर सफेद फैंसी बिछोने फूलों से सवारे अतर की सुगंध में महकते सुगंधी दे रहे थे। कपूर गुलाब दा नीर चोआ चंदन हर राजा सेज के चारों ओर पात्रों परा था। और अनेक अनेक प्रकार के चित्र बचित्र चारों ओर भीतों पर खिंचे हुए थे, नक्शे शोभा को दे रहे थे और सभी सुखदा सामान जो चाहिए था वहां पर था। और वहां पर रखा बहुत सुंदर बलोदार पले केरदा कगरा जिसकी लावण पर गोटा और सुच्चे मोती टिके हुए चमक रहे थे और अंग्यादी भल बलाती और साड़ी जगमगाती ओढ़नी ओढ़े नख सिख से सिंगार किए संदूर की आड़ दिए बड़े बड़े मोतियों की नथ शीश फूल कर्ण फूल बांग टीका टेकी बिंदी चंदर हार मोहन माला तुकतुकी पंचलड़ी सतलड़ी मोतियां दी माला दोहरे दोहरे तरोने मुझके भुज बंद बहते कंगना पहुंची नगोरी चूड़ी शाप शपा आरसी अनबरटाड़ आदि पौजेब बिशुए कड़िया नूपर किन्निया आदिक सब अभूषण रतन जड़त पहने चंद्रावती चंपक बरनी मृगनैनी पिकवैनी राज गामनी कटके हरी श्री रुक्मणी जी और मेघ बरन चंद मुख कमल नैन मोर मुकट पाधारे बनमाला हीरे पहरे पितंबर पीठ ओढ़े पीठ पट ओढ़े रूप सागर त्रिभुवन उजागर श्री कृष्ण चंद जी अनंत कंत तहां विराजते थे और आपस में परस्पर सुख लेते थे कि एकाएकी लेटे लेटे श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि सुनो सुंदरी, एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, तू उसका उत्तर मुझे दे कि तू तो महासुंदरी सर्वगुण संयुक्त और राजा भीष्मक भी पुत्री है और महाबली प्रतापी राजा शिषपाल चंदेरी का राजा ऐसा कि जिनके घर सात पीढ़ी से राज चला आता है, हम उनके डर से भागे फिरते हैं और मथुरापुरी तज समुद्र में जाए बसे हैं, उसी के भय से ऐसे राजा को तुम्हें तुम्हारे माता पिता भाई देते थे और वे बरात ले ब्याने को भी आए चुका था, तेसे ना कह बहा तुमने कुल की मर्यादा छोड़ संसार की लाज और माता पिता बंदकी संग तज ब्राह्मण के हाथ हमें बुलाए भेजा। श्री कृष्ण जी बात रुक्मणी जी को चुपाई, तुमरे जोग न हम परवीन पूतत नहीं रूप गुणहीन काहू जाचक सोहरत करी सो तुम सुन के मन में तरी कटक साज नृप बिहाबन आए तब तुम हमको बोल पठाए आए उपाद बनी है पारी क्यों हूँ कै पत रहे हमारी तिनके देखत तुमको ल्याए
दल हल धर उन को बिच लाए। तुम लिख भेजी थी जे बाणी शिशुपाल तो छड़ावो आणी। सो परतग आर हरि तुम्हारी किस ना इच्छा हुई हमारी। अज हो कुछ नहीं गयो तहारो सुंदर मानो वचन हमारो। जो कोई राजा कुलीन गुणी बलि तुमरे जोग गए होए तुम तिसके पास जाए रहो। महाराज इतनी बात के सुनते ही श्री कृष्ण चंद्र जी की गोद से श्री रुक्मणी जी चकित होए बह खाए कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और जैसे बल जल से बिना मछली तड़पती है इस बात तड़प कर अचेत होए लगी। ऊंचे ऊंचे श्वास भरने दोहरा ए शब मुख अकला बलिर हरी लपक एक संग मानो सस भूलत पर्यो पीलत आदि कुजंग। जय चरित्र देख इतना कह श्री कृष्ण चंद्र जी घबरा कर उठे कि जय तो अभी प्राण जाती है और चतुर्भुज होए उसके निकट जाए। दो हाथों से पकड़ उठाए गोद में बिठाए एक हाथ से पंखा करने लगे और एक हाथ से अलका सुहारते थे। उस काल नंद लाल प्रेम बस होए अनेक अनेक चेष्टा करने लगे। कहीं कभी पतंबर से प्यारी का चंद्रमुख से पूछते थे कभी कोमल कमल अपना हाथ रुक्मणी के हृदय पर रखते थे। निदान कितनी एक बेर में श्री रुक्मणी जी के जी में जी आया। तब हरि बोले चौपाई तू ही सुंदर प्रेम गंभीर तो मन कछु न राखी तीर। तो मन जान्यो साचो कही हम तो हसे प्रेम मैं कही। अब तू सुंदर देह संभार प्राण ठोर के नैन उघार। सोले तू बोलत नहीं प्यारी तो लोह मदुख पावत अति पारी। चेत बचन सुन पिय नारी चित चिहावन नैन उघारी। पिखै कृष्ण गोद में लिए पेई लाज अति सकुची हीए। हर पर आई उठ काटी पेई हाथ जोड़ पायन पर पेई। बोलत कृष्ण पीठ कर देता भली भली तू प्रेम अनेता। अरे प्यारी हमने तो हासी ठाठी और तुमने सच ही जानी। हासी दी बात में क्रोध करना उचित नहीं। उठो अब क्रोध को दूर कर और मन का शोक हरो। महाराज इतनी बात के सुनते श्री कृष्ण चंद्र जी ने उठ हाथ जोड़ सिर नवाए कहने लगे कि महाराज आपने जो कहा कि तुम्हारे जोग नहीं सो सच कहा क्योंकि तुम लक्ष्मीपति शिव ब्रंच के ईश्वर हो। तुम्हारे सदृश त्रिलोकी में कौन है तुम तो जगदीश हो। तुम्हें छोड़ जो जन और को त्यावे सो पुरुष निश्चय नरक को भी जावे है। महाराज आपने जो कहा कि तुम किसी महाबली राजा को देखो सो आपसे बड़ा बली पराक्रमी त्रिलोकी में कौन है। सो कहे ब्रह्मा रुद्र इंद्रादिक सर्व देवता जो तुम्हारी आज्ञाकारी है तुम्हारी कृपा से वे जिसे चाहते हैं तिसे महाबली प्रतापी तेजस्वी वर देकर बनाते हैं। सो आप की मैं सैकड़ों वर्ष की अति कठिन कठिन तपस्या करते हैं राज भाग पाते हैं फिर तुम्हारा भजन ध्यान जप तप छोड़ अनीत करते हैं। पावे आप से आप ही अपना सर्वंश खपाए नष्ट होते हैं। हे कृपा नाथ तुम्हारी तो सदा से यही रीत चली आ रही है कि अपने भक्तों हित संसार में आए
बारंबार अवतार लेते हो और दुष्ट राक्षसों को मार पृथ्वी का भार उतार निज भक्तों को सुख देते हो और सुख देके कृतार्थ करते रहते हो। अहो नाथ, जिस पर तुम्हारी बड़ी दया होए इसकी यह रीति है कि वो तन राज जोबन रूप प्रभता पाए जब अपमान से अंधा होए धर्म कर्म तप सत दया पूजा भजन भूलता है तब तुम उसे दरिद्री बनाते हो क्योंकि दरिद्रगी सदा तुम्हारा ध्यान सिमरण किया करता है इसी से तुम्हें दरिद्री भाता है। जिस पर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी निर्धन रहेगा। महाराज इतना कह फिर श्री रुक्मणी जी बोली कि हे प्राणनाथ, जैसा काशीपुरी के राजा इंद्रदुम्न की बेटी अम्बा ने किया तैसा मैं ना करूंगी कि वो पति छोड़ राजा भीष्मक के पास गई और जब उसने इसे ना रखा तब फिर अपने पति के पास आई, पुनः पति ने उसे निकाल दिया और तब उसने गंगा जी के जल में बैठ महादेव का बड़ा तप किया। वहां भोलानाथ ने आए उसे मुख मांगा वर दिया, उस वर के बल से जाए उसने राजा भीष्मक से बदला लिया सो मुझसे ना होगी। रुक्मणी बाच चौपाई हर तुम नाथ जही समझाई काहू जाचक करी बड़ाई बाक बचन मान तुम लियो हम पे विपर पठे कह दियो जाचक शिष बिरंच सारदा नारद गुण गावत है सदा विपर पठायो जान दयाल आए कीन दुष्टन को काल दीन जान दासी संग लई तुम मोहि नाथ बढ़ाई दई जय सुन कृष्ण कहत सुन प्यारी ज्ञान ध्यान गत लही हमारी सेवा भजन प्रेम से जानो ताही मैं मेरा मन मान्यो। महाराज प्रभु दे मुख से निकलते ही संतुष्ट हुई रुक्मणी जी फिर हरि की सेवा करने लगी और जितना शोक था सभी निवृत्त किया। 61वां अध्याय समाप्तम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो नारायण।